लीजेंडरीज फंक्शंस वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। आज का काम है सिग्मा फॉर्म ऑफ पीएन ऑफ एक्स निकालना। थोड़ा सा हैवी है, सिग्मा फॉर्म ऑफ पीएन ऑफ एक्स। पीएन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 टू फाई ऑफ एन, फाई ऑफ एन इज ए फंक्शन ऑफ एन, इसको भी हम बाद में लिखेंगे, माइनस वन टू द पावर आर, टू एन माइनस टू आर होल फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर एन माइनस टू आर अपॉन टू टू द पावर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू आर, वेयर फाइ ऑफ एन इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एन अपॉन टू इफ एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा इस्तेमाल कई जगह आप करना है। इसी को डिराइव करना है, तो पहले पी एन ऑफ एक्स को आप पॉलीनोमियल के रूप में लिखें, पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन डॉट थ्री डॉट सो वन डॉट टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन विद इन द ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन माइनस एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन टू डॉट फोर इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस फोर माइनस टू वन। इतना लिख लो पहले आराम से। ब्रैकेट से बाहर जो कोफिशियंट है पहले इसको हम सेट करना है, बट वन डॉट थ्री डॉट सो ऑन डॉट टू एन माइनस वन इज इक्वल टू, नंबर्स क्रम से नहीं है, बीच बीच में जो गैप है उसको हम फिलअप करेंगे। और दो कलर का पेन अगर हो तो आप भी ऐसे ही करें जैसे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा लगेगा। वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर डॉट सो वन डॉट टू एन माइनस वन और डॉट टू एन, ये अच्छा लगेगा। जो भी हम फिलअप किए हैं वो साफ साफ चमक रहा है। यही चीज नीचे भी लिख दें, टू डॉट फोर डॉट सो वन डॉट टू एन। ये स्पेशल फंक्शन पढ़ते समय दो कलर लेके ही बैठा करें पेन, अच्छा लगेगा। तो ऊपर हो गया टू एन का फैक्टोरियल, देखें ध्यान से, वन से शुरू किया आपने, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू सो वन इंटू टू एन तक। नीचे थोड़ी अभी और मरम्मत बाकी है, टू ब्रैकेट वन डॉट टू ब्रैकेट टू डॉट सो वन डॉट टू ब्रैकेट एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ टू एन अपॉन, नीचे कितने टूज हैं फैक्टर के रूप में, वन टू थ्री फोर कहाँ तक गिनेंगे, एन तक ना, ब्रैकेट में वन लिखा है टू लिखा है एन लिखा है, टू इंटू टू इंटू टू एन बार है तो टू टू दी पावर एन हो गया, उसके बाद क्या बचा, वन इंटू टू इंटू सो वन इंटू एन माने फैक्टोरियल एन। देयरफॉर पुनः अगेन
let us write Pn of x equals to factorial of 2n upon 2 to the power n into factorial n, और ये factorial n पहले से मौजूद है, factorial n whole square. अब वो फिर लिखिए सब, x to the power n minus n n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x to the power n minus 2 plus n n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon 2 dot 4 into 2n minus 1 into 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus 1. Yeah. सिग्मा फॉर्म में लिखने का मतलब जनरल टर्म लिखो और उस पर वेरिएशन लगा दो. प्रायः जनरल टर्म हम लोग nth टर्म लिखते हैं, लेकिन यहां पे n खाली नहीं है, n सिंबल खाली नहीं, इसलिए हम rth टर्म लिखेंगे, rवां पद. तो कैसे लिखा जाता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करके, पहले में ऐसा है दूसरे में ऐसा है तो rवें में कैसा होगा, आइए पैटर्न को ऑब्जर्व करें. पीछे से इधर की ओर चला. देखो इसमें कुल फोर फैक्टर्स हैं ऊपर, पहले न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 फोर फैक्टर्स हैं, फिर इसके बगल में दो फैक्टर्स हैं, यानी कि किसी टर्म के प्रीवियस टर्म में न्यूमरेटर में दो फैक्टर कम हो जा रहे हैं, तो इसके बगल में जो होगा उसमें कितने फैक्टर होंगे, 2 - 2 फैक्टर्स, माने एक को फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, नो फैक्टर, मैंने कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है. तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आठवां इस रिदम में ये नहीं है, इसको अलग कर लो. इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर x टू द पावर n, इसको अलग कर लिए, प्लस फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस n n माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 2n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 डॉट 4 into 2n minus 1 into 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus 1. इस एक्सपेंशन में दो ही टर्म हम लिखे हैं, कम होता है, तीसरा भी लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि है भी बहुत है इसलिए छोड़ रहा है. इंप्लाइज दैट Pn ऑफ x इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 to the power n factorial n whole square x to the power n plus factorial of 2n upon 2 to the power n into factorial n whole square into sigma laga diya. R varies from 1 to 5 of n. इस सीरीज में जिसका आरियत टर्म लिखना है, पहला टर्म नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस वन टू द पावर आर या माइनस वन टू द पावर आर प्लस टू लिखिए, ताकि आर इक्वल टू वन लिखें आर प्लस वन. देखो पहला टर्म आर इक्वल टू वन रखने से नेगेटिव आएगा, आर प्लस टू लिखेंगे तो आर इक्वल टू वन रखने से ये हो जाएगा माइनस थ्री पर माइनस वन पे थ्री पावर, फिर नेगेटिव आएगा. इसके बाद फैक्टर्स की संख्या देखें, पहले में ऊपर दो फैक्टर हैं, दूसरे में ऊपर चार फैक्टर हैं, तीसरे में ऊपर छह फैक्टर हैं, तो आरवे में ऊपर कितने फैक्टर होंगे, टू आर फैक्टर होंगे ना. तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, ये फैक्टर्स की संख्या बता रहा है, न्यूमरेटर्स में कितने फैक्टर्स, टू आर फैक्टर्स, तो वो टू आर फैक्टर्स लिखिए. पहला है n, दूसरा है n माइनस वन, तो
तो 2r वां कितना होगा, n माइनस 2r माइनस 1 बार, ये बार ब्रैकेट कहलाता है। नीचे दो प्रकार के सीरीज चल रहा है, एक तो न्यूमरल्स वाला चल रहा है 2, 2.4, 2.4.6, तो ये वाला आर में कितना हो जाएगा 2.4.so on.2r, ये हो जाएगा इनटू। दूसरा इस तरह का चल रहा है, स्पेस कम पड़ रहा है ना, इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, स्पेस कम पड़ गया। फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू 5 ऑफ n माइनस 1 टू द पावर r n इनटू n माइनस 1 इनटू सो ऑन इनटू n माइनस 2r माइनस 1 अपॉन 2.4.so on.2r इनटू। अब देखो पहले में एक फैक्टर है 2n-1, दूसरे में दो फैक्टर है 2n-1 इंटू 2n-3, फिर तीसरे में तीन फैक्टर्स हैं 2n-1, 2n-3, 2n-5, ऐसे चलता रहा। तो आरवे में कितने फैक्टर होंगे, आर फैक्टर कौन कौन से होंगे। पहले में है 2n-1, दूसरे में 2n-3, तो r में क्या होगा, गौर से देखो ये जो लास्ट फैक्टर है ये 2n सब में है, तो उसमें भी 2n होगा, ये 1, 3, 5 इसी में ap बन रहा है, तो 1, 3, 5 वाले ap का r टर्म 2r-1 होता है, तो लास्ट में आएगा 2n-2r-1 बार, ये रहा। अब x के ऊपर पावर, पहले में n-2 है, दूसरे में n-4 है, 4 माने 2 इंटू 2, तीसरे में n-6, n-2 इंटू 3, तो r में n-2r, x टू दी पावर n-2r, ये हो गया। अब जितने भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं इसमें उन्हें हम फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यही थोड़ा भारी काम है। बारी बारी से ना, बट न्यूमरेटर में जो ऊपर है उसको उठा रहा, एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन इंटू n-2r-1 इक्वल्स टू, मान लो n इक्वल टू 10 है, 10 इंटू 10-1 9 इंटू 10-2 8 इंटू सो ऑन, मान लो 5 तक आया, तो ये चेन पूरी है नहीं, एक एक कम होता जा रहा है, अगर ये इंटू 1 तक आ जाए तो ये 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसके आगे कितने से मल्टीप्लाई कर दें फैक्टोरियल 4 से, और नीचे फैक्टोरियल 4 लगा दें, तो अब ये ऊपर हो गया फैक्टोरियल 10 और नीचे फैक्टोरियल 4, इसको समझिए पहले। किससे मल्टीप्लाई किया आपने, जो लास्ट है उससे एक कम करके फैक्टोरियल, तो लास्ट क्या है n-2r+1 है, माइनस से थोड़ा ब्रैकेट, इससे एक कम करो तो n-2r, लिखो n into n-1 इंटू सो ऑन इंटू n-2r-1 बार इंटू, n-2r का फैक्टोरियल ऊपर भी बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई किया उसी से, अब ये हो गया फैक्टोरियल एन पूरा पूरा ऊपर यहाँ से यहाँ तक,
फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस टू आर होल फैक्टोरियल। इसको रख दो पहले, ज़्यादा है ना असल में, और एक इसको भी कर लो नीचे वाले को, एंड 2 इंटू 4 इंटू सो वन इंटू टू आर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 डॉट 2 ब्रैकेट 2 डॉट सो ऑन डॉट 2 ब्रैकेट r इक्वल्स टू 2 टू द पावर r इंटू फैक्टोरियल r। Therefore, Pn of x equal to यहां पर हम इसको फिर से लिखे थे ना, तो फिर इसको रब करना भूल गए थे, ये रहे भैया सही कर लो, ये मामला है। तो पहला टर्म लिखिए फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n प्लस फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू 5 ऑफ n माइनस 1 टू द पावर r। ऊपर वाले का जो मान निकाला अपना, ये ऊपर वाले की वैल्यू, ये क्या लिखे हम लोग, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू आर। इंटू x टू द पावर n माइनस टू आर, ध्यान से देखते चलना, इसकी वैल्यू लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकाले, 2 टू द पावर r इंटू फैक्टोरियल r, और अब इसके बाद एक चेन और बच गया, इसको एज इट इज उतारिए, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू सो वन इंटू 2n माइनस 2r माइनस 1, ये रहा, पुनः इसको यहाँ छोड़ दीजिए, फिर इस चेन को पकड़िए। एक स्टेप और हम बढ़ा लें ना, जैसे इसे अंदर कर लें, इन सबको अंदर कर लें, क्योंकि ये सिग्मा r जिसमें है उसको प्रभावित कर रहा है, दिस सिग्मा रन्स ओवर r, दिस एंटिटी डजंट कंटेन r, देयरफॉर दिस एंटिटी इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिग्मा, ये एंटिटी इस सिग्मा के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट है, चाहे सिग्मा के बाहर रहे चाहे अंदर, तो अंदर करने जा रहे हैं, अंदर करेंगे तो एक फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। हाँ, जितना सिंप्लीफाई होते वो करते चलिए, इकट्ठे उठाएंगे बहुत हैवी हो जाएगा। लो भैया स्पेस बन गया, implies that Pn of x equal to factorial of 2n upon 2 to the power n into factorial n whole square x to the power n plus summation r varies from 1 to 5 of n minus 1 to the power r into factorial of 2n upon 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n लिख रहा है, केवल एक फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक, फिर x टू द पावर n माइनस टू आर अपॉन 2 फैक्टोरियल n तो लिख ही लिए, इसका हिसाब कर लिया, यही लिखना है बस,
2 to the power r factorial r factorial n minus 2r into a chain. Minus 1 into 2n minus 3 into so on into 2n minus 2r minus 1 bar. Here. देख लग गौर करके इसका पावर और ये कैंसिल कर दिए बाकी सब देख लो ठीक कोई छूट तो नहीं ना था ठीक. अब उस नीली वाली चेन को आइए पकड़ें उसे भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें. ये फैक्टोरियल में कन्वर्जन है बस और इस पीएन में ज्यादा तगड़ा है. बट टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस थ्री इंटू सो ऑन इंटू टू एन माइनस टू आर प्लस वन. ये तो टू एन माइनस वन से शुरू हो रहा है लगातार भी नहीं है कंटिन्यूअस नहीं है. टू एन माइनस वन के बाद टू एन माइनस टू होना चाहिए फिर टू एन माइनस थ्री फिर टू एन माइनस फोर ऐसा भी नहीं है और इंटू वन तक भी नहीं है. तो बीच बीच में गैप भी है और चेन टूटी हुई भी है. सारा काम एक साथ करना है इक्वल्स टू टू एन इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस टू इंटू टू एन माइनस थ्री. इधर स्पेस संकट आ रहा है इस चैप्टर में ये सब बवाल है नीचे लिखते हैं फिर से इक्वल्स टू टू एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन. मन करे तो इसके एक पहले वाला भी लिख लो. जैसे इसके एक पहले वाला लिखने के लिए क्या करोगे इसमें प्लस टू कर दो. टू एन माइनस थ्री में प्लस टू कर दोगे तो क्या आएगा टू एन माइनस वन. तो इसमें प्लस टू करो इसमें प्लस टू करोगे तो क्या आएगा यह आएगा टू एन माइनस टू आर प्लस थ्री यानी 2n माइनस ब्रैकेट में 2r माइनस 3. और इंटू 2n माइनस 2r प्लस 1 इंटू यहां तक चेन हमने जो गैप था वो फिलअप कर लिया. मान लो वही फिर ये 10 लिखा है 10 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू सो वन इंटू सो वन इंटू 4 तक आया मान लो. अब तो क्रम से हो गया ना 2n फिर एक कम फिर एक कम फिर एक कम फिर ये एक कम कहाँ है गलत हो गया ना. इसके पहले इसमें प्लस 2 करने से काला वाला आएगा काला वाला. लाल वाला हमको चाहिए था एक एक का डिफरेंस पे चल रहा है ना. तो इसमें देखो प्लस वन करने से आएगा तो ये लास्ट वाला था तो हो जाएगा टू. अब ठीक है एक कम करेंगे तो ये आएगा फिर एक कम करेंगे उसका फैक्टोरियल माने 2n माइनस 2r का होल फैक्टोरियल. तीन कलर चाहिए इसमें. अब
अब ये 2n से पूरा पूरा चेन कंप्लीट हो गया, 2n इंटू एक कम इंटू एक कम इंटू एक कम इंटू सो वन इंटू कहाँ तक, वन तक जाएगा ये, अपान जिन जिन चीज़ों से ऊपर गुणा किए हैं अब मल्टीप्लाई किए हैं उसी से नीचे भी गुणा करके बैलेंस करिए। पहले लाल वाले 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू सो वन इंटू 2n माइनस 2r प्लस 2 इंटू 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल। ऊपर का हिसाब तो फिट हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 2n, और अब नीचे देखें रेड वाला 2n इंटू 2n माइनस 2 ऐसे ना लिखें, सभी ब्रैकेट से 2 कॉमन लेके लिखें, 2 ब्रैकेट n डॉट 2 ब्रैकेट n माइनस 1 डॉट सो ऑन डॉट 2 ब्रैकेट n माइनस r प्लस 1 इंटू ब्लू वाला 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल। बारिश शुरू, उसी की आवाज है, अब इस देश में हम रोक भी नहीं सकते। इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n अपॉन कितने टूज हैं, देखो n है, n माइनस 1 है, इसको पैटर्न को देखो, और लास्ट में क्या है, n माइनस ब्रैकेट r माइनस 1 है। तो इसी ब्रैकेट से अंदाजिए कितने टर्म हुए, पहले में n माइनस 0 है, पहले में n माइनस 0 है, दूसरे में 1 है, तो अगर आखिरी में r माइनस 1 लिखा तो यहां से यहां तक गिनती कितनी हुई, r, तो ये हो गया 2 टू द पावर r इंटू एक टूटी हुई चेन, इनकम्प्लीट चेन, n इंटू n माइनस 1 इंटू सो 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 और इंटू नीला वाला ब्लू वाला 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल। मैंने कहा था शुरू में ना कि हैवी, अभी भी काम पूरा हुआ नहीं, ये फिर टूटी हुई चेन है। इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 टू द पावर r इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू सो 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू कितने से यहां मल्टीप्लाई करते हैं कि ये n का फैक्टोरियल बन जाए, तो यहां जो नंबर लास्ट में लिखा है उससे एक कम का फैक्टोरियल, उससे एक कम का फैक्टोरियल यानी n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ऊपर भी गुणा कर दीजिए n माइनस r का फैक्टोरियल और नीचे अभी एक और लिखना बाकी है, भूलने ना पाए, फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 2r, ये देखो अब फाइनली हमको क्या मिला, इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 2n फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r अपॉन, इजी है, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा दो बार देखिए, नोट्स बनाइए उसको दो बार पढ़िए, 2 टू द पावर r इंटू यहाँ से इस ब्लैक वाले तक फैक्टोरियल n इंटू 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल, इसी को उठा करके वहाँ रख दो नीली वाली चेन की जगह पे।
इसके बाद आपको जो लिखना है मैं इसी में सेट कर दे रहा हूं। देयरफॉर पीएन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इनटू यहां पे जो इसकी वैल्यू आई, आप लोग पूरा फ्रेश लिखिएगा पूरा वहां से यहां तक, ये वैल्यू आई है फैक्टोरियल ऑफ 2n फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर अपॉन 2 टू द पावर r इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 2r। ये अब कट लगाइए, n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर r कैंसिल हो गया और ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 2n कुछ गड़बड़ी हुई काटने में, ठीक ठीक अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर x टू दी पावर n प्लस समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू 5 ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r। अब भैया ये वाला उलट के ऊपर जाएगा, 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन, ठीक ना, क्या क्या बचा, 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस 2r। चेक कर ला बिल्कुल ठीक है, अब r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो इसमें रखिए, r इक्वल टू जीरो उस पूरे गठरी में रखिए, अगर इतना आ गया ठीक ना, अगर इतना आ गया तो इसका मतलब ये इसमें शामिल हो जाएगा, वेरिएशन हम जीरो से फाई ऑफ n कर देंगे, तो r इक्वल टू जीरो रखने से ये निगेटिव साइन नहीं देगा, ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ये आया x टू दी पावर n, ये हो गया 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल 0 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n का स्क्वायर। फाइनली पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 टू 5 ऑफ n माइनस 1 टू द पावर r 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस 2r अपॉन 2 टू द पावर n इंटू r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू आर होल फैक्टोरियल। चेंज क्या किया हमने, वेरिएशन चेंज किया, अब आर वेरी करेगा जीरो से। अब फाई ऑफ एन की बात करेंगे, देखो जो पी एन ऑफ एक्स का आपने पहले पॉलिनोमियल लिखा था सीरीज के रूप में लिखा था, पहला टर्म था एक्स टू द पावर एन, फिर उसके बाद एक्स टू द पावर एन माइनस टू, उसके बाद x टू दी पावर n माइनस 4, यानी x पे जो पावर्स है वो घट रहा है, डिक्रीजिंग है, x पे पावर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एग्जॉस्ट कर जाएगा कभी ना कभी, अगर हम n को पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं तो पावर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो सोचो अगर n ऑड है तो पावर कहाँ पे एग्जॉस्ट करेगा, 1 पे,
और अगर n इवन है, दो 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 कम करते जा रहे हैं, टू लेस करते जा रहे हैं, तो एग्जास्ट कहाँ पे होगा? जीरो पे। जैसे 10 है, 10 में से टू 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 घटाते चलिए, निगेटिव ना होने पाए, तो जीरो पे जाके ख़त्म होगा। और 9 से या 11 से शुरू करेंगे ऑड से, तो 1 पे जाके ख़त्म होगा। यानी ये जो n माइनस टू आर है, पहला बात व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x टू द पावर n माइनस टू आर, ये हो जाएगा x टू द पावर 1 लास्ट टर्म। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस टू आर इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट 2r इक्वल टू n माइनस 1 इंप्लाइज दैट r इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट, व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब ये जो जनरल टर्म x टू द पावर n माइनस टू आर है, ये लास्ट में जाके x टू द पावर जीरो हो जाएगा, लास्ट टर्म। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस टू आर इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट 2r इक्वल टू n इंप्लाइज दैट r इक्वल टू n बाई 2। तो r की वैल्यू जो देखने से फ्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शनल है नहीं। n अगर ऑड है तो ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे इवन आएगा, इवन में 2 से डिवाइड करोगे तो पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा। इसमें n इवन है, इवन अपॉन 2 करोगे तो पूर्णांक मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो बस लास्ट में लिख दो वेयर फाई ऑफ n इक्वल टू देयरफॉर फाई ऑफ n इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2, n इज ऑड, n अपॉन 2, n इज इवन। लास्ट टर्म के लिए ये वेरिएशन है। r की वैल्यू लास्ट टर्म में फाई ऑफ n है ना, तो n अगर ऑड है तो लास्ट टर्म में r की वैल्यू होगी n माइनस 1 अपॉन 2, n अगर इवन है तो r का मान लास्ट में क्या होगा? n अपॉन 2। क्लियर? तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा हैवी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको ढंग से सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।